उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार को पाकिस्तान के नंबर से मिली धमकी। अजीत के व्हाट्सएप कॉल पर राजू श्रीवास्तव को भी दी जान से मारने की धमकी। राजू श्रीवास्तव और उनके बच्चे को कमलेश तिवारी की तरह जान से मारने की थी धमकी। राजू श्रीवास्तव बोले, मैं अपने हास्य अंदाज में विरोधियों को देता रहूंगा जवाब। मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना ने बर्रा थाना पहुंच के उचित कार्रवाई की मांग। क्या नाम है और क्या? मेरा नाम अजीत सक्सेना है। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री माननीय राजू श्रीवास्तव जी का मुख्य सलाहकार भी हूँ और राष्ट्रीय हिंदू सेना उत्तर प्रदेश का मुख्य संरक्षक भी हूँ। कई दिनों से अभी लोकल बेस पे भी धमकियाँ मुझे दी जा रही थी। 28 जुलाई 2019 को इसी संदर्भ में हमारे ऊपर हमला हुआ था, जिसमें हमारी गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़फोड़ दिया गया था, लेकिन किसी तरीके से हम बाल बाल बच गए थे, जिसकी तहरीर भी मैंने जनता नगर चौकी थाना बर्रा को दी थी और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी उस समय। इसी के तहत कल रात को 8:36 पे पाकिस्तान से फ़ोन आया था। पाकिस्तान से फ़ोन आने पर उन्होंने धमकी दी है कि जो हिंदुत्व की राजनीति आप करते हो, राष्ट्रीय हिंदू सेना की राजनीति करते हो, और जो राजू श्रीवास्तव पाकिस्तान के ऊपर उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको मना कर दो, नहीं राजू श्रीवास्तव के साथ तुम्हें भी, जो लखनऊ में कमलेश तिवारी का कांड हुआ है, उसी तरीके तुम लोगों के सर को अलग कर देंगे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी से आज मेरी बात हुई है। राजू श्रीवास्तव जी ने अभी कहा कि अगर कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। अगर वो कुछ करना है तो कर लें और हम इसके लिए तैयार हैं। आज आप थाने आए, पुलिस ने क्या प्रशासन? थाने में आए और थाना अध्यक्ष से मुलाकात हुई। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और FIR के आदेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने जल्दी से जल्दी होगा इस पर कार्रवाई करेंगे और आप निश्चिंत रहिए, प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है। जब भी भारत देश पे कोई हमला करता है, आक्रमण करता है, चाहे चाइना है या पाकिस्तान, तो आपकी तरह मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, आक्रोशित हो जाता हूँ और मेरा गुस्सा सारा मेरी कॉमेडी में निकलता है। इस तरह से मैं दुश्मनों को अपनी कॉमेडी के जरिए लताड़ता हूँ, उनको गालियां देता हूँ। देखिए, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि अपने देश के साथ खड़ा हो, अपनी भारतीय सेना को सहयोग करे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। कवि हो, कलाकार हो, किसी के पास कलम की ताकत है, पत्रकार अपना काम करते हैं, मेरे पास तो यही हथियार है। अब मुझसे धमकी दी जा रही है, मुझे कहा जा रहा है वहां से फोन कॉल्स करके कि वो मेरा हाल लखनऊ की कमलेश तिवारी जैसा करेंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। तो मैं अपने देश प्रेम की बात तो करूंगा, अपने देश को तो आगे रखूंगा। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज भी है। बहुत सीधी सी बात है, हमारे देश के किसान इन दिनों बॉर्डर पर अगर बैठे हैं, ठंडी में बैठे हैं, सर्दी में परेशान हो रहे हैं, तो मैं दुखी होता हूं। हमारी सरकार जब गुंडों का इनकाउंटर करती है तो मैं खुश होता हूँ। गुंडों का घर, क्रिमिनल्स के इलीगल घर जब गिराए जाते हैं तो मैं खुश होता हूँ। हमारी भारतीय सेना जब पाकिस्तान को घुस के मारती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो मैं पार्टी देता हूँ दोस्तों। अब मेरे पार्टी देने से अगर दुश्मन पार्टी परेशान होती है, तब तो मेरी पार्टी सक्सेस हो गई ना। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।